सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में बीजेपी हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। भजनलाल शर्मा संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, वो मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं, वो प्रदेश महामंत्री के पद पर भी थे। विधायकों की ग्रुप फोटो में भजनलाल शर्मा चौथी लाइन में बैठे थे। 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। बीजेपी ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक है, वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूधू सीट से विधायक हैं। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया था। भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान करने के बाद बीजेपी नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंचे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा, बीजेपी के सभी नेताओं के साथ मिलकर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेंगे। भजनलाल शर्मा को सांगानेर से विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर उतारा गया था। प्रदेश मुख्यालय में बैठक से पहले राजनाथ के साथ सभी विधायकों का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के दौरान वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह के बिल्कुल बगल में बैठी थी। वहीं भजनलाल शर्मा चौथी पंक्ति में थे, दिया कुमारी दूसरी पंक्ति में थी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन के जरिए ब्राह्मण, राजपूत और दलित कार्ड खेला है। ब्राह्मण को मुख्यमंत्री और राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाकर सामान्य वर्ग में भी बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। वहीं प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित कार्ड भी खेला है ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया।